30,000 कोर्ट में हुई झड़प का एक और वीडियो सामने आ गया है। तो आगजनी के दौरान वकीलों ने पुलिस वालों से मारपीट की है और झड़प का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तो आपको बता दें, 2 नवंबर को पार्किंग विवाद को लेकर वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई थी, लेकिन इसी दौरान इस झड़प का जिस तरह से वीडियो अब सामने आया है उसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। तो झड़प के बाद वकीलों ने आगजनी की थी पुलिस की गाड़ियों पर और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी उस दौरान घायल भी हो गए थे। तो फिलहाल ये एक और सीसीटीवी फुटेज की मदद से वीडियो जो है सामने आया है, वकीलों ने किस तरह से आगजनी की है उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। तो 2 नवंबर को ये मामला सामने आया था जहां दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच बस महज एक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन यह विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस और वकील आमने सामने आ गए। फिलहाल ये मामला चल रहा है, इस पर कार्रवाई चल रही है, कई पुलिस वालों को निलंबित भी इसमें किया गया है, लेकिन दोनों तरफ से अब न्याय की गुहार लगाई जा रही है। तो फिलहाल आगजनी के दौरान वकीलों ने जिस तरह से पुलिस वालों से मारपीट की थी उसका यह वीडियो सामने आया है, यानी कि एक और वीडियो सामने आया है। हालांकि इससे पहले कई और वीडियो भी सामने आते रहे हैं जहां पर साकेत कोर्ट और रोहिणी कोर्ट की तस्वीरें जिसमें विरोध यहां पर लगातार किया जा रहा था।